है नुब्रा का रेगिस्तान, जहाँ कल तो हम नहीं रुके, आज हम रुके हैं। ओह कितना है भाई, डिफिकल्ट रोड्स ऑफ्टन एंड टू बेटर प्लेसेस। फाइनली चांगला चेक लिफ्टेड बोर्ड। सिर्फ हम है भाई इस 40 किलोमीटर के सेट में, सिर्फ एक गाड़ी और चार बाइकें थी, वो गाड़ी तो चलेगी सिर्फ चार बाइकें। वाओ वाड़ा वाओ वाओ वाड़ा वाओ वाओ फीलिंग। अभी तुरतुक से हम लोग निकल गए हैं और अनफॉर्चुनेटली बॉर्डर नहीं देख पाए क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और अलाउड नहीं था। अरे भाई ग्लास कितना गंदा हो रखा है मेरा। तो तुरतुक से अभी निकल के हम लोग पहुंचेंगे पहले दीक्षित। दीक्षित से हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे और वहां से एक कट निकलता है जो सीधा हमें लेके जाएगा नुब्रा होते हुए पैंगोंगसो। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है पैंगोंगसो, विच इज़ अराउंड 280 किलोमीटर। सो यहाँ की पूरी जर्नी आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग में देखी होगी, नहीं देखी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ की जर्नी अभी मैं कवर नहीं करने वाला हूँ। तो अभी सीधा का सीधा पहुँचेंगे दीक्षित और खलसर। खलसर से एक्चुअली हमारा लेफ्ट मिलता है हमें जो पैंगोंग की तरफ जाता है। विल बी अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर। श्योक रिवर का बहाव देख लो, एकदम कड़क ही है। मज़े आ रहे हैं आज भी राइड पे। आज हम जल्दी निकल गए हैं, मैं तो सुबह 5:30 का उठा हूँ। रात को आज हमारा मन है कि हम लोग पैंगोंगसो में नाइट गेजिंग भी कर रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स गो। हम ही चार लड़के अपने बाइकिंग पैशन को पूरा करते हुए निकल गए हैं एक अलग ही ऊंचाइयों की तरफ। ये है नुब्रा का रेगिस्तान, जहाँ कल तो हम नहीं रुके, आज हम रुके हैं भाई। रेती है ये तो जमाई। नाइस, गुड रेगिस्तान ऑफ नुब्रा। तो जब आप तुरतुक से खलसर पहुंचते हैं, खलसर से एक रास्ता जाता है अपना वापस खारडुंगला लेक की तरफ और दो रास्ते जाते हैं पैंगोंग की तरफ। उसमें से भी एक रास्ता तो परमानेंटली अभी बंद है और दूसरा रास्ता कभी कभार खुलता है। तो बेसिकली डिस्किट और तुरतुक और डिस्ट्रिक्ट से आप पैंगोंग अभी नहीं जा सकते हैं। अगर आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं अगर, तो प्लीज़ पता करके जाएं। अदरवाइज़ ले से रास्ता पूरा खुला होता है तो ले से जा सकते हैं। हम लोग भी अभी वापस यही है कि ले अभी वापस हम लोग खारडुंगला होते हुए ले जाएंगे और फिर ले से हम लोग पैंगोंग पहुँचेंगे। तो आज का भी दिन काफ़ी जर्नी लंबी रहेगी। आगे गाड़ी ले के बाद भी अराउंड 150 किलोमीटर पैंगोंग है और वहाँ पे भी एक हाई माउंटेन पास आता है, चांगला पास। लेट्स सी, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि वो रास्ता दो दिन खुला हुआ था बट आज सुबह वहाँ पे रिवर का भाव बढ़ने से पूरी रोड पे रिवर आ गई है। बेसिकली जो आप सामने वाले माउंटेन देख रहे हैं उसके एकदम नीचे की साइड पे पैंगोंग का हाईवे जाता है और वहाँ आगे जाके 40 अराउंड किलोमीटर जाके श्योक रिवर का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और तो रिवर का पानी एकदम ऊपर आ चुका है, वहाँ पे नीचे से जाते हैं तो इसलिए वो रास्ता बंद है। वो किसी को नहीं पता होता कब खुलता है, वो ऑन द स्पॉट खुलता है और फिर बंद हो जाता है। अभी पीछे किसी ने बताया कि 10 डेज से तो बंद था, अभी दो दिन खुला और आज फिर से बंद हो गया है। अरे तो वही लोग हैं जो बाइक चढ़ा दी थी जिसने, पूछ लेना इससे। रास्ता
तो अभी ले से। थैंक यू भाई। वो देख रहा तेरे को ऐसे घूर के कि कर क्या रहा है भाई तू। खड़ूंगला आते ही भाई एक अलग जोश आ जाता है यार, पता नहीं क्यों है ना। हो गया भाई, खड़ूंगला दोबारा हो गया। आगे रुकते हैं ना, आगे रुकते हैं ना कहीं पे। इधर बाइक लगी हुई, इधर लगा ले, आजा पार्किंग लगाते हैं इधर। यहाँ पार्किंग है, सही है ये पार्किंग। हाँ चाय तो पियेंगे भाई। तो भाई लोग अपडेट ऐसा है कि ले सिटी के काफ़ी क्लोज हैं, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं ले सिटी। और यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट होगा जहाँ से हम लोग पैंगोंग की तरफ मुड़ जाएंगे। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ले सिटी साइड। आई थिंक थोड़ी सी शायद बारिश भी हो सकती है। ओवरऑल जर्नी में मज़े आए, ले से तुरतुक वाया खाडुंगला और तुरतुक से वापस ले। वही है, थोड़ा चेंज ऑफ प्लान्स तो हो ही गया था तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, वापस आना ही पड़ गया। तो अभी पैंगोंग वाले रोड पे चल चुके हैं और भाई क्या ही बताऊँ, गजब ही रोड बना रखी है, इतनी ज़्यादा स्मूथ है, एकदम नई रोड, कड़क नई रोड बनी है। और सही है भाई, राइड स्मूथ जा रही है। बढ़िया है कि थोड़ा एलिवेशन अब धीरे धीरे बढ़ जाएगा ना, तो पावर कम लेगी तो थोड़ा 80 तक ही चढ़ पाएगी अपनी बाइक। भाई उधर क्या ही कड़क बारिश हो रही है। हम लोग इस पॉइंट पे आके रुके, क्या ही मस्त नज़ारा है। उधर भयंकर तेज़ बारिश हो रही होगी पीछे पहाड़ों पे। उसी नीचे हाईवे से हम लोग ऊपर आए हैं, क्या ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। लेट्स गो। बहुत ही सही भाई, बहुत ही सही। वो ऊपर आप रोड देख सकते हैं, वहाँ पे जाना है, वहाँ से जाना है। और नीचे वैली में क्या प्यारे घर बने हुए हैं भाई, क्या ही बेहतरीन सुंदर रैली है। और रैली से ज़्यादा तो हमारी नज़रें उस सामने वाली रोड पे है जो कितनी ऊपर दिख रही है भाई साहब। गलत ही सीन, मज़े आने वाले हैं। और ऐसे रास्ते पे लोग मिलते रहते हैं और हाय हेलो सलूट सलाम करते रहते हैं ना, मज़ा आ जाता है। अरे यार अपनापन फील होता है। आगे अपने भाई लोग भी, लेट्स गो। ओ देखो भाई कहाँ तक जाना है। रोड बड़ी प्यारी है बट हाइट भी पूरी है। आज एक तो ऑलरेडी खाडुंगला करके ही आए हैं, अब चांगला भाई, एक दिन में दो दो खतरनाक पास हो रहे हैं। अरे भाई क्या ही क्रेजी व्यू है ये, वाओ लव इट। भाई मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हाइट पे आ गया अभी हम लोग। सडनली आई हैव अ फीलिंग फक ग्रेवल्स भाई यार, बहुत आराम से। और आगे वैन आ रही है, आगे वैन आ रही है, बीच में वो है। हाँ ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं क्या सबको बैठ के, कौन कितने काउंटिंग कर रहे हैं। 10 बाइक गई, चलो 4 गाड़ियाँ गई, बोले मस्त है भाई, मस्त वाली है भाई। मजे आ गए, पैरों पे मजे आ गए भाई। आप जान देगा पिकअप खींचो भाई, थोड़ा फ्लैट आया जल्दी खींचो। तो उसके बाद इंक्लाइंड है, बहुत बढ़िया लॉन्डो। थैंक गॉड भाई बारिश नहीं है यहाँ पे, एक दो बूंदे पड़ी, ठीक है मौसम तो बारिश का ही बना हुआ है। आई थिंक ये है भाई चांगला इज हियर। कितना है भाई, डिफिकल्ट रोड्स ऑफ्टन एंड टू बेटर प्लेसेस, फाइनली चांगला चेक लिफ्टेड बॉयज। कितना है, 17,688।
मचा भाई ये तो खाडूंगा तो बहुत टफ था, उससे भी कम है ये 300 तो है। सांगला बाबा की जय, सही सलामत पहुंचा दिया। हाँ जम क्या गया भाई, मेरे लगा तोड़ूंगा तो बर्फ निकल जाएगी अंदर से। वेलकम टू चांगला टॉप गाइस, आई लव चांगला फीट। भाई ये अच्छा सजा नहीं रखा है, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सजा रखा ये है। खाडूंगा तो इतना नहीं सजा रखा था, यहाँ पे कुछ अलग ही है भाई सीन है। मत फोटो सेशन करके भी निकल जाएंगे क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ इधर चांगला बाबा जी का मंदिर भी है, जय चांगला बाबा की जय। इंतर भाई चांगला काफी कड़क था। मजा ही आ गया ठंड में, थोड़ी हालत तो खराब हुई। एक्सट्रीम एल्टीट्यूड रिसोर्ट स्टेशन भी है भाई। ओ भाई ये देख के शांति मिल रही है मुझे कि उधर डिसेंडिंग करके उधर से जाना है, मजे आ जाएंगे भाई। भाई यहाँ पे कड़क स्नो होती होगी, पता नहीं क्यों नहीं लेके आते भाई यहाँ पे, इनको लेके आना हो टूरिस्ट को लेके आना चाहिए ना यहाँ पे गांड तो ये। नहीं नहीं जैसे वो करते हैं ना कि लोग खाडूंगला वगैरह करते हैं ना, जैसे ले खाडूंगला ले बाइकर्स को लेके आओ, यहाँ पे करते होंगे वैसे, बाइकर्स तो करते होंगे भाई। इस पे मेरे को बड़ा दुख हो रहा है यार, इसने पता है अभी क्या कर रखा होगा भाऊ, इसे पता क्या होगा, इसने ले रखा होगा 2 किलो की ईंट और उसको दबा रखा होगा एक्सेलरेशन पे और पैर खुला छोड़ रखा होगा, फर्स्ट गियर लगा के खुला छोड़ रखा होगा इसने अभी। ओफो बढ़िया, चाय के लिए रुक जाते हैं नोमैडिक भाई, ये भी नोमैडिक फार्म एंड रेस्टोरेंट भाई। भाऊ जी चाय पिलाओगे? थैंक यू सो मच, जय झूले। मैंने तो खोल लिया भाई। एक मिनट। बहुत ठंडा है, कॉफी पिला दो। भाई ये स्ट्रीम तो इतनी पास आ गई है जो पीछे देख रहे थे। अरे 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 काफी तेज, काफी गहरी है क्या? अरे इधर खड्डा सा आया था कुछ, दिखा मेरे को किसी की बाइक को चलते। ओ लवली, मजा आ गया भाई। हाँ ठीक है, और भाई मैं तो स्ट्रीम देख के ही वो हो रहा हूँ, मेरी तो नजर है बैक टू बैक वाटर क्रॉसिंग और ये लेफ्ट में पूरी स्ट्रीम। आहा मजे मजे, पानी भर रहा है ना, फ्रेश पानी भर रहा है ना। बहुत सीन, ट्रक तो भाई कुछ नहीं बचा, ट्रक का सीधे ही नीचे गया है। हाँ वो भी ऐसे ही कुछ सीन है। ये तो भाई यहाँ तो आर्मी वाले आए हुए हैं क्या? ओफ आप यार ये तो गलत सीन हो गया, तो आज भी नहीं हुए होंगे इसको। टूटा पड़ा है भाई, ये छोटे टायर वाले हैं ये। ओ भाई मजे ही आ गया, बेस्ट डे बेस्ट जर्नी ऑफ लद्दाख सो फार। हाँ ये देखो नजारे, हेड्स की और मार्शल्स की लाइटें ऑन हो चुकी है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। हाँ हाँ मेरे लिए बस, मेरे लिए थोड़ी सी राइट साइड में जगह छोड़ना।
हाँ, क्या क्या सीन लग रहा है यार। एक तो यहाँ पे नज़ारा देखो और आगे लाइटें देखो लॉन्डो की। लेट्स गो। और वो है दूर तांगसे गांव, आई थिंक सो, क्योंकि बोर्ड पे मैंने कहा नहीं, वो है दूरबुक है वो 8 किलोमीटर, तांगसे नहीं है वो, दूरबुक है। हाँ मज़े आ गए भाई, बेस्ट राइड गाइस। मैं ये बोलूँगा ये जगह आप लोगों को देख लो ज़रा, क्या ही खूबसूरत है। अगर आप प्लान करो लद्दाख तो ले से पैंगोंग जाना इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, तो मिस मत करना। आई डोंट थिंक सो कि इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा, रोड, वैलीज, रिवर, स्ट्रीम्स, ग्रीनरी, सब कुछ ब्रो, सब कुछ बहुत अच्छे से मिलेगा। सो जस्ट 11 किलोमीटर और है हमारा तांगसे मिलेगा हमें पेट्रोल पंप। पेट्रोल यहाँ से ही फिल, तांगसे से ही फिल कराना होता है, क्योंकि आप पैंगोंग जाओ, पैंगोंग के बाद अगर आप हानले जा रहे हो कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, तो तांगसे इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप। न्योमा में मिल जाता है पेट्रोल, बट न्योमा का सीन है कि हानले से थोड़ा सा पहले से राइट साइड है न्योमा, तो इट्स बेटर अगर आप इधर से अगर पैंगोंग जा रहे हो तांगसे में अपना टैंक फुल कराओ और क्या कहते हैं उसको, अपना जेरी कैंस वगैरह कैरी कर रहे हो तो फुल करा दो। आई एम श्योर अगर आप बाइक राइड कर रहे हो जेरी कैंस कैरी कर ही रहे होगे, तो बहुत ज़रूरी है ये याद रखना। तांगसे गांव, ओ भाई नीचे इतना बड़ा एक आर्मी का बेस कैंप, आई थिंक वो डुबरुक आर्मी का बेस कैंप है भाई, क्रेजी ब्रो। यार ड्रोन उड़ा दो भाई, क्या ही जबरदस्त लग रहा है। हाँ और ये खतरनाक सी वाटर क्रॉसिंग फिर से आते हुए, वाह मजेदार थी ये भी। तो फाइनली टांग से पहुंच गए हैं और एकदम ही स्ट्रिक्ट भाई आर्मी एरिया है यहाँ पे, सामने पेट्रोल पंप है। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा मीटर साफ कर लेते हैं, सामने है अपना है पेट्रोल पंप, इस साइड में बैरियर वगैरह लगे हैं तो आई थिंक कुछ होगा ये भी चेक पोस्ट वगैरह, बट कोई है नहीं तो अपन निकलेंगे। हाँ लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। ओ नमः शिवाय, ये पेट्रोल पंप सिर्फ हमने भाई इस 40 किलोमीटर के सेट में सिर्फ एक गाड़ी और चार बाइकें थी, वो गाड़ी तो चलेगी सिर्फ चार बाइकें। वाह वाड़ा वाह वाह वाड़ा वाह वाह फीलिंग, नाइट राइड वो इज नाइट राइड, नाइट राइड टू पेंगोंग। तांगसे से आए ना हम लोग, तांगसे से पैंगोंग अभी 17 किलोमीटर और बचा है, एक बंदा नहीं मिला भाई, गाड़ी रुक गई है एकदम, रुक गई थी एकदम। अबे यार पैंगोंग 100 से पहले इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग, मैं गीला हो गया हूँ ऊपर तक, आई एम फक्ड भाई, मेरा तो बहुत उछला है, मेरा तो ऊपर तक उछला है, मैं थाई जा। हाँ मेरे भी आँख के ऊपर गिरे हैं, आँख के आगे ग्रेवल है। हाँ गलत भाई, गलत सीन भाई, इतनी रात को ऐसी वाटर क्रॉसिंग,
स्कैरी। सो हमें अभी पैंगोंग लेक पे, नहीं 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 यहाँ से नहीं दिखाते, आपको दिखाते हैं मेन व्यू। लेट्स गो। सो दिस इज दी पैंगोंग लेक, वहां पे भी लोग बैठ खड़े हुए हैं भाई। चेक दिस आउट। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वहां तक सिर्फ पैंगोंग दिख रही है। और दिस इज आवर कॉटेज स्टे, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। वाओ, चेक दिस व्यू आउट गाइस, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। भाई क्या ही खूबसूरत नजारा है पैंगोंग का।